क्वेश्चन नंबर 29, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द कंपाउंड्स। एसाइलेशन, ये प्रोडक्ट किस किस रिएक्शन से मिल सकते हैं, मतलब अगर यहां पर आपने इसकी रिएक्शन करवाई थी ओएमई की, यहां पर आपने एसाइलेशन करवाया, तो क्या आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ओएमई क्या है, आपका डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एसाइलेशन हो जाएगा, क्योंकि एसाइलेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा वो फेवर करेगा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन को। यहां पर देखिए, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, दोनों ही क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये दो प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे। NO2 की बात करते हैं, NO2 माइनस M इफेक्ट होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। पहली बात तो ये एक्टिवेट नहीं करेगा, ये डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरी बात, इसके पैरा पे कभी भी ये नहीं आ सकता है, इसके पैरा पे ये कभी भी नहीं आ सकता है। तीसरी बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, Me2N, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है, पैरा पे आ सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। ये आप याद रखिएगा, एनिलीन और एनिलीन के डेरिवेटिव्स कभी भी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जो एसाइलेशन का पहला पार्ट क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप ये सब काम करवाते हो, तो यहां पर एसाइलेशन होने से पहले क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या कर देता है, एसिड बेस में यूज कर लेता है, AlCl3 के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बना लेगा, तो पहले एसिड बेस हो जाती है, इसलिए नाइट्रेशन फेवरेबल नहीं, सॉरी एसाइलेशन फेवरेबल नहीं है नाइट्रोजन कंटेनिंग एनिलीन और एनिलीन के डेरिवेटिव्स के लिए। ये भी आपका क्या है, एनिलीन का एक डेरिवेटिव है, तो पहले ये एसिड बेस में पार्टिसिपेट कर लेगा, ये प्रोडक्ट आपको नहीं देगा। तो मिलने वाले जो प्रोडक्ट नहीं है आपको, 3 और 4 नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन आप देखिए, 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंफ्यूज हो जाते हो बहुत जगह, आप कंफ्यूज होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर ये एसिड बेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन पहले हो जाती है, और एसिड बेस जनरली आपको पता है फास्टर होती है, ग्रिग्नार्ड के केस में भी ऐसा होता है कि एसिड बेस फास्टर होती है, पहले एसिड बेस होती है, बाद में वो एडिशन वगैरह करता है। क्लियर हुआ,